जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आइए एक बार फिर से इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपके अवध यूनिवर्सिटी के बीएस सेकेंडरी के फर्स्ट पेपर जो आज हुआ था उसका हम रिव्यू करेंगे। और यह केवल ना रिव्यू पेपर का ही है, साथ ही साथ मेरे लिए भी एक रिव्यू है, आपकी तरफ से एक फीडबैक मुझे मिल जाएगा कि क्या सच में जो हमने साथ में पढ़ा है, क्या सच में जो आपके क्वेश्चंस बताए गए थे, जो पीडीएफ आपके साथ शेयर किया गया था, कि क्या उसमें से वो क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे आए हैं, मिले हैं कि नहीं मिले हैं। ईमानदारी से बेझिझक जो भी आपका फीडबैक होगा कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों, आज का जो पहला पेपर आपका हुआ था उसको रिव्यू करेंगे। पेपर क्या है, अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इसका पहला पेपर आज हुआ। मैंने आपको बताया था सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन जैसे कि नॉर्मली पूछे जाते हैं। शैक्षिक प्रशासन, देखो केवल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन पूछ दिया था। अब चाहे तो इसमें इसका अर्थ लिख दीजिए, चाहे तो इसका परिभाषा लिख दीजिए, जो भी आपको इससे संबंध आता है आप लिख दीजिए, कोई नंबर नहीं काटेगा। शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रबंधन, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, स्वच्छता हाइजीन, स्कूल मैनेजमेंट, बजट का अर्थ, और दोस्तों पर्यावरण शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम, इन 10 के 10 सवालों में बताइए, 10 के 10 सवालों में बताइए। एक बार भी आपको पेपर पढ़ के ये लगा कि ये कोई ऐसा सवाल है जो अलग से आया हो, नया आया हो, सर ने ना बताया हो, आपको ना कराए, आप ईमानदारी से बताइएगा। कोई मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप जबरदस्त, आप ईमानदारी से बताइए 10 के 10 सवाल जो आपसे पूछे गए हैं, कैसे आपसे पूछे गए हैं, कि क्या सच में मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब इस तरीके से पेपर आते हैं, क्योंकि देखिए आप मानिए या ना मानिए पेपर आपका होता है, लेकिन बड़े बड़े दिल से मेहनत करता हूं, और ना केवल मैं मेहनत करता हूं। आज आई वुड लाइक टू ग्रीट अ वेरी वेरी थैंक्स टू अ पर्सन, मेरी एक दोस्त है, वो पीडीएफ प्रिपेयर करती हैं, पूरे प्रीवियस क्वेश्चन देखती हैं, उनका भी बहुत मेहनत है। तो आप यकीन मानिए आपके पेपर के पीछे और भी लोग मेहनत करते हैं, हालांकि पेपर हमें नहीं देना होता है, मगर आपको पता है पिछले 5 सालों के क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन रिपीट हुआ है या नया बना है, तो उस तरीके से फिर आपको मेरे साथ आपसे वीडियो बनाई जाती है। तो थैंक्स टू यू, थैंक यू सो मच कि तुम इतना मेहनत करती हो आप और क्वेश्चन प्रिपेयर करती हो आप, सो बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए 10 सवाल में आपको कहीं भी कोई शिकायत नहीं होगी। अच्छा एक और चीज मैं कह दूं, देखो क्वेश्चन तो आप जानते ही हो, चलो साथ साथ बात करेंगे। तो 10 क्वेश्चन यहाँ हो गया, आप बात कर लेते हैं आपके सेक्शन बी की। देखिए मैं आपसे सेक्शन बी की बात करूं तो सेक्शन बी में शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र का वर्णन करिए, ठीक है, शिक्षा में राज्य सरकार की भूमिका स्पष्ट करिए, कोई अलग सवाल, कोई अलग सवाल नहीं। विद्यालय बजट, विद्यालय बजट के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए, बिल्कुल वही सवाल। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांतों का वर्णन करिए, बिल्कुल एज इट इज पूछा गया सवाल आपसे है यहाँ पे, ठीक है। चलिए विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य का वर्णन करिए, कोई ऐसा सवाल, मतलब अच्छा सवाल पूछा गया नहीं। जनसंख्या नियंत्रण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, ये तो नॉर्मल सवाल कहा गया था जो आपके आप हमेशा पढ़ते हैं। सतत विकास में विद्यालय की भूमिका, संक्रमक रोग के संचरण के तरीकों का वर्णन करिए, डिस्क्राइब द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, किस तरीके से वो बढ़ता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक के कार्यों पर प्रकाश डालिए, बिल्कुल अच्छा सा सवाल पूछा गया था दोस्तों। समय सारणी निर्माण के सिद्धांत, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ अ टाइम टेबल, शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता एवं उद्देश्य की व्याख्या करिए, और अच्छे सेक्शन सी शुरू हो गया यहाँ से, और विद्यालय प्रबंधन के विभिन्न विधियों का उल्लेख करिए, किसी एक विधि की व्याख्या करिए। तो दो सवाल था, तो ये जो भी वो सवाल है दोस्तों, बहरहाल वही सवाल है जो आपसे कहा गया था कि इंपॉर्टेंट है करिए, जो कि मैराथन में कराया गया था। ये बात मैं नहीं कहूंगा, बेशक मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट में यही बातें कहेंगे कि हाँ बिल्कुल वो सवाल पूछे गए थे जो आपने बताया था, जो आपने कराया था। देखिए कोई तारीफ की बात नहीं है, किसी भी पेपर पे आप समय देंगे, और मुझे पता है कि बीएड करने वाले ज्यादातर बच्चे समय नहीं दे पाते हैं, वो अपने आप को किस कहीं, कुछ लोग जॉब में बिजी हैं, कुछ घर के काम में बिजी हैं, कुछ अन्य जिम्मेदारियों में बिजी हैं, तो वो अपने आप को समय नहीं दे पाते प्रॉपर पढ़ाई में। तो अगर बंदा, एक बंदा भी मेहनत करे, हालांकि हम लोग तो 2 लोग हैं, 3 लोग हैं अब, तो वो भी स्वाति भी, लाइक शिखा भी वीडियो बना लगी, तो हम 3 लोग हैं जो वीडियोज बनाते हैं, काम करते हैं, तो इन 3 लोगों की मेहनत से दोस्तों आपका, आपके लिए हेल्प हो जाता है। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मौर्या जी जुड़े हैं, वो भी काफी हेल्प करते हैं, पीडीएफ भेजते हैं, और भी सारे लोग जुड़े हैं, तो ये थोड़े लोग मिलकर अगर मेहनत करते हैं तो एक अच्छा टीम बन जाता है, अगर अच्छा काम बन जाता है।
दोस्तों इसमें कुछ नई बात करने वाले नहीं है। पता है जैसे जैसे पेपर होता है ना तो लास्ट में मैं सैड हो जाता हूँ, क्योंकि 1 साल 2 साल का जो कनेक्शन है ना वो अब छूटने वाला है। 2 पेपर और बचे हैं आपके पास, 2 पेपर दोगे फिर आप चले जाओगे, नए लोग आएंगे, हम यहीं मिले थे, हम यहीं मिलेंगे, यहीं रहेंगे। तो एक इमोशनल सा मोमेंट होता है कि 2 पेपर और बचे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि सच में मेरी एक पूरे ऐसे लोग, मैं देखो अब ऐसे में बात करना चाहता हूँ आप सबसे। देखो ऐसा लगता है ना कि मेरा एक कॉलेज है, ठीक है, और उस कॉलेज में आप सब पढ़ते हो, जितने लोग जुड़े, मैं अभी नाम लूँ तो मैं 100 लोगों का नाम ले सकता हूँ जो इस साल जुड़े हैं मेरे चैनल से, जो लाइव लाइव पे कमेंट करते हैं, लेकिन मैं किसी एक का भी अगर छूट जाएगा नाम तो वो मेरे लिए अफसोस है, इसलिए मैं नाम नहीं। तो मुझे लगता है आप सब जैसे मेरा एक कॉलेज है या मेरा एक घर है, आप उस घर में रहते हो, उस घर में साथ में हम लोग पढ़ते हैं, और अब पेपर खत्म हो जाएगा और आप अपने घर को चले जाओगे। तो ये किस तरीके का मूवमेंट होता है, किस तरीके की फीलिंग होती है। बहरहाल ये तो प्रकृति का नियम है, आना जाना लगा रहता है, बट जो संबंध है, जो प्यार है, जो रिश्ता है, जो दोस्ती है, जो एक दोस्ती कह लो या भाई बहन का रिश्ता कह लो, भाई भाई का रिश्ता कह लो, जो भी कह लो, वो बना रहना चाहिए, वो एक दूसरे से लगा रहना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए। बहरहाल बस आपको ये रिव्यू करना था, रिव्यू के बहाने बात करना था, क्योंकि अब तो आपसे बहानों में ही बात होगी, एक बहाने से ही बात होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जनरली मैं बीएड की बात करता हूँ और अब बीएड का तो आप देखोगे नहीं, तो एक बहाने से बात होगी, तो उसमें से एक बहाना है। कमेंट में आप भी बात कर सकते हैं, आप भी मुझे बता सकते हैं कि वीडियो कैसी आपने पढ़ाई करी, कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा, कैसा रहा आपका जर्नी मेरे साथ, कैसे लगे हम आपको, क्योंकि एक इंसान खुद का असेसमेंट करना मुश्किल होता है, सामने वाला आपसे बेहतर असेसमेंट आकलन कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है, और अगला पेपर आकलन और मूल्यांकन का ही है, तो आप मुझे आकलन और मूल्यांकन कर सकते हैं कि कैसे लगे मेरे तौर तरीके, बिहेवियर, बात करने का तरीका, हर एक चीज आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि पॉजिटिव ही फीडबैक आएगा। बहरहाल मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को आपके आगे की जीवन के लिए। आगे बढ़ते रहिए, हमेशा मैं कहता हूँ मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो इंसान को उस वक्त के लिए दुखी कर सकती हैं, लेकिन वो तभी आती है जब आपने पहले कोई गलत फैसला लिया होता है। तो अपने फैसले सोच समझ के लीजिए, क्योंकि आज का फैसला ही कल आपको या तो खुशी देगा या तो दुख देगा। इतना बड़ा ख्वाहिश, इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा कुछ ना करिए जो आपको खुशी ना दे तो बहुत ज्यादा दुख दे दे। हमेशा अपने अपने चीजों को उतना तक रखिए कि जब चाहे आप समेट सकते हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगा। रिग्रेट कभी नहीं किसी बात को लेके। एक समझदार व्यक्ति वही है जो अपने पास्ट की चीजों पे अफसोस नहीं करता, उसको सीख के आगे बढ़ता है। तो किसी चीज को अफसोस मत करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपके पर्सनली, मैं बड़ा पॉजिटिव रहता हूँ, हमेशा कहता हूँ यार जीवन मिला है हमें जीने के लिए ना, तो किसी अफसोस में, किसी दुख में ऐसे नहीं जीना है भाई। नहीं 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 ऑलवेज बी हैप्पी, यू नो, खुशी होनी चाहिए चेहरे पे, समझ रहे हो, मुस्कुराहट होनी चाहिए चेहरे पे, समझ रहे हो। चलो बहुत शुक्रिया, कमेंट में आपके राय प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, और आगे की वीडियोस में भी आपका इंतजार रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारा संबंध जो है वो ऐसा बना रहेगा, हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, हम एक दूसरे से बातें करते रहेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक और चीज, जो लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जाने टॉक पर्सनल, जाने टॉक 01, जी हाँ जाने टॉक 01, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप यहाँ से मुझे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, मैसेज, बात, प्रतिक्रिया, जो भी हो, एक संबंध के दायरे में, एक अच्छे दायरे में हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगली वीडियो में, खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।